हो गया। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवेंद्र यादव। आई एम असिस्टेंट कमांडेंट इन बीएसएफ ऑफ 2019 बैच। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 2214 इन दैट एग्जाम। टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस। हर नेम इज निधि चौधरी, सी इज असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ 2020 बैच। लेट अस टॉक विद हर। हेलो निधि, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम गुड। ओके, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद ऑल आवर व्यूअर्स। मेरा नाम निधि चौधरी है। मैंने ऑल इंडिया रैंक 132 सिक्योर किया है यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन में। और मेरा बैकग्राउंड, मैं पानीपत से आती हूँ, पानीपत हरियाणा से। मैंने पहले सीरियस के लिए भी अटेम्प्ट्स दे रखे हैं और ये मेरा सेकेंड सीएपीएफ अटेम्प्ट था इन 2020। और मुझे इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में, आजब अकेडमी के बारे में यूट्यूब से पता चला व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। जो यहाँ पर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है वो किसी और इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड नहीं की जाती है। इन लोगों की वीडियोज़ और इन लोगों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूपीएससी इंटरव्यू के बेस पे होते हैं। सो इस चीज़ में मुझे बहुत हेल्प हुई है और फाइनली मैं इस मेरिट लिस्ट में आई हूँ। आपकी मॉम भी साथ हैं, आप अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे थ्रू आउट दिस जर्नी? मेरी मदर ने मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है इन दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें तीन स्टेजेस होते हैं, फ्रॉम रिटन टू फिज़िकल एंड देन टू इंटरव्यू। फिज़िकल में सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी ने ही मेरी हेल्प की है और इंटरव्यू के लिए मेरी मम्मी मुझसे क्वेश्चंस पूछती थी और मैं उनके आंसर्स देती थी। इस प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्प की है एंड मेरी फैमिली का ऑल इन ऑल बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, बट प्राइमरली मेरी मदर का सपोर्ट रहा है जो अभी यहीं पर हैं, मेरे साथ ही बैठी हैं। ओके, आप अपने इस सक्सेस के बाद, इस सक्सेस में टीचर्स के कंट्रीब्यूशन को किस तरह से देखना चाहेंगे? मेरे मेंटर्स ने मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया है, स्पेशली आजब अकेडमी ने जो एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट मुझे यूपीएससी इंटरव्यू के लिए प्रोवाइड किया वो और कहीं नहीं था। और आजब सर ने मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं बहुत अच्छा इंटरव्यू में स्कोर कर सकती हूँ और मुझसे एक्सपेक्टेशंस भी हाई रखी, इसलिए आई थिंक मैं इस पोजिशन पर हूँ। सो आई वुड लाइक टू थैंक आजब सर एंड शिवेंद्र सर जो मेरे साइड में ही बैठे हैं। उन्होंने तो मुझे सेकेंड मॉक इंटरव्यू में बता ही दिया था कि आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। सो उनकी जो भविष्यवाणी थी वो कारगर साबित हुई है, सो आई वुड लाइक टू थैंक हिम एज वेल। और जो यहाँ पे स्टाफ है जो प्रेजेंट है आजब अकेडमी में, उनका बहुत हम्बल नेचर रहा है टू एवरी कैंडिडेट, सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम। Okay, I'm also honored to be a small part of this institute. Sir had told all these things about me also once upon a time. Okay, what was your strategy regarding the tackling of CAPF 2020? रिटन एग्जामिनेशन के लिए मैंने स्पेसिफिकली सीडीएस के बेसिस पर ही प्रिपरेशन की थी पेपर वन के लिए। और पेपर टू के लिए मुझे आदत है जर्नल लिखना और हॉबीज़ में मेरा राइटिंग जर्नल है, सो मेरे में अच्छा होल्ड था इंग्लिश के ऊपर। सो और द हिंदू का मैंने जो फिलर्स होते हैं द हिंदू के एडिटोरियल से मैंने सीएपीएफ पेपर टू के लिए प्रिपेयर किया था। फिज़िकल के लिए मैंने ट्रेनिंग ली थी पानीपत में ही, शिवाजी स्टेडियम में मिस्टर महिपाल सर हैं, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी। और फाइनली इंटरव्यू के लिए, जिसकी वजह से मैं इस स्टेज पे हूँ, मैंने आजब अकेडमी से ही इंटरव्यू गाइडेंस ली है और ये मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी। ओके, आप अपने फिजिकल के बारे में बताइए, कहाँ पर था ये फिजिकल पीएसटी ओएमएसटी? मेरा फिजिकल CISF नोएडा में था, ग्रेटर नोएडा में। और मैंने दो बार फिज़िकल दिया है 2021 और 2020 का, और दोनों बार फॉर्चुनेटली मैंने क्लियर किया है। ओके, आप 2019 के प्रोसेस के भी पार्ट थे, अच्छा लगा कोई बात नहीं। और आपका उसके बाद इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन किस सर का बोर्ड था आपका?
मेरा बोर्ड स्मिता नागराज मैम का था और इट इज़ डेफिनेटली द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट यूपीएससी का इंटरव्यू था और जो वहाँ पर मुझे एक्सपीरियंस मिला है वो मुझे बहुत सारी लर्निंग्स दिया है. तो आई एम गोइंग टू मतलब मैं इस चीज़ को आगे अपनी लाइफ में भी रखने वाली हूँ और ये मेरा एक्सपीरियंस था. नर्वस कितना थे आप थ्रू आउट द इंटरव्यू? नर्वसनेस का लेवल क्या था? क्योंकि ये सबके साथ होने वाला है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो स्टार्टिंग में आई वुड से कि मैं नर्वस थी थोड़ी सी, मतलब क्योंकि मुझे एक एनवायरनमेंट और सबसे मतलब फर्स्ट टाइम मैंने मतलब यूपीएससी के प्रोमाइसेस में एंटर किया था उस टाइम पे मैं नर्वस थी, बट विद टाइम नर्वसनेस घटती गई और जब एक बार आंसर्स देना स्टार्ट करते हैं तो नर्वसनेस बहुत चली जाती है और वहाँ पर बहुत काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है तो तुम बेस्ट ही परफॉर्म करते हो. हाँ ये तो है, यूपीएससी जितना हो सकता है बेस्ट टू बेस्ट ही इन्वायरमेंट देती है. और फर्स्ट जर्नी कैसी रही, आप आगे जाना चाहेंगी यूपीएससी भवन फिर से? अभी फॉर्चुनेटली क्योंकि सीएपीएफ ने मुझे सिलेक्ट कर लिया है तो मुझे जाना नहीं पड़ेगा यूपीएससी भवन. फॉर फर्दर अटेम्प्ट्स लाइक फॉर सिविल सर्विसेज एंड ऑल, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरा कोई सिविल सर्विसेज का प्लान नहीं है, बट आगे देखते हैं क्या रहता है. ओके, ये ज़्यादातर व्यूअर्स पूछते हैं कि आपका पेपर वन में स्कोर कितना रहा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका पेपर वन में कितना स्कोर था, क्योंकि एग्जैक्ट तो 15-20 नंबर का डेविएशन रहता ही रहता है. पेपर वन में एग्जैक्ट स्कोर मुझे लगता है अभी मार्कशीट आएगी वो उसी के बाद मैं बता पाऊँगी. ओके, नहीं एज पर द इंस्टीट्यूट्स आंसर की ऑफ इंस्टीट्यूट एंड ऑल, एज पर द आंसर की आई थिंक मेरा 135 प्लस ही होना चाहिए स्कोर. तो पेपर वन में इट्स अ वेरी डिसेंट स्कोर. तो बाकी यूपीएससी मार्कशीट डालेगी मैं शेयर कर दूंगी. ओके, आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में, आप कुछ ट्रांसक्रिप्ट वगैरह शेयर करना चाहें? हाँ, तो मेरे बोर्ड में चार मेंबर्स थे. स्मिता नागराज मैम ने मुझे काफ़ी गर्ल ओरिएंटेड और वीमेन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे थे और कि मेरी पोजीशन क्या रहेगी एक सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर में और क्या मैं एक हॉस्टल एनवायरनमेंट में अच्छे से काम कर सकती हूँ. तो ये ज़्यादा सराउंडेड था मेरा जो क्वेश्चंस मैम स्मिता नागराज मैम ने पूछे थे. फिर जो सेकंड मेंबर थे वो एसपी वैद सर थे जो एक्स डीजीपी थे जम्मू एंड कश्मीर के. तो उन्होंने मुझसे ज़्यादातर जम्मू एंड कश्मीर ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे थे कि आप कैसे वहाँ पर रिलेशन बनाने वाले हो सिविलियंस के साथ. जो थर्ड मेंबर थे उन्होंने मेरे हॉबीज़ को टच किया था जिसमें उन्होंने वाइल्ड लाइफ के बारे में मुझे पूछा था, वाइल्ड लाइफ राइट्स के बारे में मुझे पूछा था और एक क्वेश्चन था कि एक ये डेमोक्रेसी समिट जो चल रहा है वो उसके बारे में उसका सिग्निफिकेंस क्या है. जो लास्ट मेंबर थे उन्होंने मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे. उन्होंने बुक्स पूछी थी कि मैं कौन सी रीड करती हूँ, उन्होंने इमोशनल क्वेश्चन पूछा था, डिफरेंस पूछा था रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ के बीच में, डेटा इज़ द न्यू ऑयल उसमें इसका मतलब क्या होता है. और फिर फाइनली वापस स्मिता नागराज मैम के पास चला गया था तो उन्होंने सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझसे यही पूछा था कि हम बात तो करते हैं कि हमें प्रेजुडिसेस ब्रेक करने हैं और सब मुझे बताते हैं कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा टूल है जिससे हम प्रेजुडिसेस ब्रेक कर सकते हैं, बट तुम मुझे कुछ दो और चीज़ें बताओ जिससे हम लोग सोसाइटी में प्रेजुडिसेस ब्रेक कर सकते हैं. सो ऐसे काफ़ी अच्छे लेवल के इन दी एंड मैम ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे और ये मेरा इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट था. ओके, योर मॉम इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सेक्टर, योर फादर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिफरेंट सेक्टर, तो फिर आपके अंदर ये कहाँ से आया? When you have you decided that you want to join prestigious armed forces and you want to select it as a career, CAPF particularly? मतलब ये तो बिल्कुल ही अलग स्ट्रीम हो गई. आंटी जी भी साथ हैं, आंटी जी भी बता रही हैं हमारे साथ. आंटी जी कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको निधि की सक्सेस पे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फील प्राउड ऑन माय डॉटर और इस
आपके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगी कि जो जिम्मेवारी इन्हें मिली है उसकी वो अच्छे से निभाएंगे। और सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगी अजायब इंस्टीट्यूशन का जिन्होंने मॉक इंटरव्यू या जो भी है अच्छा सा मतलब गाइड किया, जिसके बदौलत आज ये इस मुकाम पे हैं। बिल्कुल आंटी जी, जो आगे कैंडिडेट्स आने वाले हैं, एस्पिरेंट्स आने वाले हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कहूँगी कि पेरेंट्स जो है घर में ऐसा इन्वायरमेंट दो, बच्चे की डाइट का जैसे ख्याल करना, उनके रेस्ट का, और उनको बूस्ट करना, सपोर्ट करना है। कभी डिमोरलाइज ना करो कि आप क्या चाहते हो, मन में फोर्सफुली उन पर ना डालो। स्पेशली आंटी जी फॉर गर्ल कैंडिडेट्स आप क्या बोलना चाहेंगे उन्हें? किस तरह से ग्रूमिंग करनी चाहिए ताकि मैं जैसे एजुकेशन की रही हूँ को देख सकें और निधियाँ भी आए। मैं देखो उस टाइम पे NCC सर्टिफिकेट मैं गेन कर चुकी और साथ में भारत स्काउट गाइड से भी जुड़ी रही, मैं कमिश्नर रही हूँ अभी भी स्टेट की कमिश्नर जैसे, तो बच्चे भी उस चीज़ को देख करके मोटिवेट होते हैं। और जो गर्ल्स हैं वो थोड़ा सा स्टेडियम में मतलब खेलों में पार्टिसिपेशन उनका कम होता है, तो उनकी मोटिवेशन के लिए हम पेरेंट्स को बुला बुला के कन्विंस भी करते थे कि भाई अगर तुम हारते हो तो कोई बात नहीं, उनके चांस जितने हैं नंबर इतने मिलते हैं, तो लड़कियां आती थी और सक्सेस भी होती थी। तो गर्ल्स के लिए मैं ये कहूँगी कि इसमें भी भाग लें और अच्छा सा इंजॉय करें तो सफलता अच्छी मिलती है, और पेरेंट्स भी इसमें अच्छा सपोर्ट करते तो बच्चे अच्छे निकलते हैं। अंडे जी आपने टाइम कैसे निकाला, आप अपने जॉब से, अंकल जी भी जॉब में थे, तो फिर आपने कैसे मैनेज किया? वो तो महिला के पास एक एक्स्ट्रा गुण होता है, जहाँ भी चाहो जैसे भी एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट हो जाती है और कर लेती है अपने बच्चों को भी, तो मैक्सिमम टाइम मैंने अपने बच्चों की तरफ दिया। निधि आप क्या फ्यूचर गर्ल कैंडिडेट्स को मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज डिफेंस इज अ बेस्ट करियर एज आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि लड़कियों में डिफेंस एज अ करियर काफ़ी फेमस नहीं है, काफ़ी लड़कियां अप्लाई नहीं करती है इसमें, इसलिए जो रिसेंटली CAPF 2020 का रिजल्ट आया है उसमें भी सिर्फ 12 ही लड़कियां हुई हैं। तो आई वुड से कि जो लड़कियां हैं उनको रियलाइज़ होना चाहिए कि डिफेंस एक बहुत ही अच्छा करियर है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़कियां इस चीज़ में अभी तक नहीं कर पाई हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है, और डिफेंस बहुत ज़्यादा एनेबलिंग है, उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकता है। और मतलब इंडिया की सिक्योरिटी में अगर तुम्हारा रोल है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मोटिवेशन का तो क्या है,